हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर, आ गया हूं एक और नई वीडियो लेकर। दोस्तों आज है 10 जून और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि करीब दोस्तों 3000 पदों पर सहायक अध्यापक की दोस्तों भर्ती होगी, पीआरटी की भर्ती होगी, थर्ड ग्रेड टीचर की दोस्तों भर्ती होने वाली है। दोस्तों इसके लिए विज्ञापन निकलना शुरू हो गया है और आज दोस्तों 10 जून है और कल तक दोस्तों 13 जनपदों के दोस्तों सभी के सभी विज्ञापन दोस्तों लगभग विज्ञप्ति जो है प्रेस विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। सभी विज्ञप्ति दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा और सभी को वीडियो शेयर कीजिएगा। शिखर स्टडी पॉइंट दोस्तों आपको टेलीग्राम पर सर्च कर लेना है और जुड़ जाना है। शिखर स्टडी पॉइंट दोस्तों चैनल का ही लोगो आपको दिखाई देगा। सब कुछ दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। इसके बाद किस तरह से फॉर्म भरना है वो भी दोस्तों मैं उसके लिए वीडियो बनाऊँगा। तो विज्ञापन दोस्तों जारी होना शुरू हो गया है। सहायक अध्यापक दोस्तों लेवल 6 की जॉब है, 4200 ग्रेड पे की जॉब है और शुरुआत में दोस्तों 55 से लेकर 60,000 के बीच में दोस्तों सैलरी यहां पर आपको मिलने वाली है। और यहां पर दोस्तों 327 लोग ही दोस्तों ऐसे हैं कि जो उत्तराखंड से सरकारी कॉलेज से दोस्तों डीएलएड किए हुए हैं, बाकी दोस्तों अन्य राज्यों से जो डीएलएड किए हुए हैं वो लोग भी इसमें आवेदन करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों पद हैं यहाँ पर करीब 2917, तो 3000 के आसपास तो पद है। पहले आ रहा था कि 3600 पद ऊपर होगी, तो इतनी बड़ी भर्ती देखिए दोस्तों एक साथ यहाँ पर। और खास बात दोस्तों ये है कि यहाँ पर बीएड वाले अभ्यर्थी भी नहीं भर पाएंगे इसमें, केवल डीएलएड वालों के, अब डीएलएड वाले अभ्यर्थियों के लिए ही है ये है। आज देखिए दोस्तों 431 पद दोस्तों ये है और इसके अलावा बैकलॉग के दोस्तों पद हैं 15, तो 446 पदों पर दोस्तों चमोली जनपद की भर्ती का यहाँ पर विज्ञापन जारी हो गया है। ऐसा दोस्तों इसमें होता है कि जैसे मैं अल्मोड़ा से हूँ दोस्तों, चमोली से भी इसमें आवेदन कर सकता हूँ, लेकिन दोस्तों फिर एक ही जगह जाना होता है क्योंकि जो डीबी होगा बाद में उसमें एक ही जगह जाना रहता है। तो अपने जनपद जहाँ से दोस्तों आपको सही लगता है तो वहाँ से आप लोगों को भरना है। इसमें 446 पद हैं, चमोली के लिए निकल चुका है। शाम तक दोस्तों जैसे कि बागेश्वर की विज्ञप्ति भी निकल सकती है, उधम सिंह नगर या फिर अन्य जनपद जो भी होंगे, कल तक दोस्तों 13 के 13 जनपदों के लिए दोस्तों ये विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, सभी दोस्तों मैं शेयर करते रहूँगा। प्रेस विज्ञप्ति 29 मई 2024 द्वारा दोस्तों उस दिन शासनादेश जारी किया गया था और प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 2012 यथा संशोधित में निहित चमोली जनपद के लिए दोस्तों भर्ती निकली है। ग्रेड थर्ड टीचर वेतनमान दोस्तों 35,400 से 1,12,000, 55-60,000 शुरुआत में दोस्तों स्टार्टिंग सैलरी की बनेगी। पद देखिए दोस्तों इसमें दोस्तों एक तो आपके जो डीएलएड है उसके दोस्तों जो मार्क्स रहते हैं और सीटेट यूटेट के मार्क्स के आधार पर दोस्तों इसमें चयन होता है। तो देखिए जनरल के 212 पद हैं, पीएच के लिए 17 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 43 पद हैं, ओबीसी के 60 हैं, एससी के 82 हैं और बैकलॉग के दोस्तों 15 पद ये बैकलॉग के भी इसमें जुड़े हैं, तो 446 पद ये हो गए हैं। रिक्तियों की संख्या घट और बढ़ सकती है। सहायक अध्यापक प्राथमिक के विज्ञापित पदों में 50-50% दोस्तों 50% विज्ञान वाले, 50% बिना विज्ञान वाले, यानी कि विज्ञानेतर यानी कि आर्ट वालों के लिए, तो इसका आधा कर लीजिएगा, तो आधा आधा 50-50 रहेगा, जैसे कि डीएलएड की सीटों के लिए भी होता है। योग्यता देख लेते हैं, स्नातक होना चाहिए, है ना, स्नातक होना चाहिए। डीएलएड जो किए हुए बच्चे हैं वो सभी लोग भरेंगे, अन्य राज्यों से डीएलएड किए हुए वो लोग भी भरेंगे। सीटेट या यूटेट क्वालिफाई होना चाहिए आपका, ये देखिए यहाँ पर सीटेट यूटेट वन पास होना चाहिए और जो एलटी वाले हैं इनके लिए है पेपर 2 पास होना चाहिए। प्रवक्ता में दोस्तों अभी तो ऐसा नहीं है कि सीटेट यूटेट चाहिए, लेकिन आने वाले समय में इसके लिए भी बात चल रही है कि उसमें भी जो है प्रवक्ता के लिए भी सीटेट यूटेट क्वालिफाई होना चाहिए। तो दोस्तों ये सब पढ़ लीजिएगा ध्यान से, बाकी मैं महत्वपूर्ण बिंदु पर ही बात करूंगा। ये देखिए दोस्तों आज जो है विज्ञापन इसका जारी हो ही गया है। एक्स्ट्रा आर्मी मैन वाले भी भरेंगे, सब भरेंगे जिन्होंने डीएलएड किया होगा। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा विभाग चमोली के लिए दोस्तों जारी हो चुका है। फॉर्म भरने के लिए दोस्तों इस तरह से आपको प्रिंट आउट निकालना होगा, ये अभ्यर्थी अभ्यर्थिनी द्वारा भरा जाए। कटिंग ओवर राइटिंग नहीं करनी है, यहाँ पर फोटो चिपकानी है, साइन करने हैं फोटो में, ऐसे तिरछे साइन करने हैं दोस्तों, ऐसे तिरछे साइन करने हैं। यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम हिंदी में अंग्रेजी के कैपिटल लेटरों में बढ़िया तरीके से लिखेगा, पिता का नाम हिंदी में, पति का नाम विवाहित महिला हेतु, डेट ऑफ बर्थ हाईस्कूल के अनुसार, शब्दों में भी लिखना है। यहाँ पर घर जनपद थाना सहित जो भी आपका घर जनपद है थाना सहित लिखना है, मोबाइल फ़ोन नंबर, लिंग कोड, महिला पुरुष जो भी है, आरक्षण के लिए जो भी दोस्तों है जैसे ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, जो भी है आपका। और यहाँ पर दोस्तों हाईस्कूल के मार्क्स भरने होंगे, यहाँ पर दोस्तों जो है पूर्णांक प्राप्तांक जितने भी हैं आपके, अनुक्रमांक हाईस्कूल में जो भी था, कहाँ से क्या, बोर्ड का नाम, परीक्षा वर्ष कब का था, इंटरमीडिएट का, इस तरह से स्नातक का, प्रशिक्षण का, डीएलएड का, और यहाँ पर अध्यापक पात्रता परीक्षा, यहाँ पर सीटेट या यूटेट जो भी आपने किया हुआ है, दोनों है तो कोई एक भरना होगा यहाँ पर आपको। तो यह है बाकी संलग्नों का विवरण, यानी कि दोस्तों आपने क्या क्या लगाया इसमें, हाईस्कूल लगाया, इंटर लगाया, ये सब आपको यहाँ पर इस तरह से भरना होगा। घोषणा, मैं शपथ पूर्वक अभिकथन करता हूँ करती हूँ कि ये सब दोस्तों देख लीजिएगा। यहाँ पर दिनांक, यहाँ पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, नाम, पता, यहाँ पर हस्ताक्षर करने, यहाँ पर नाम लिखना है, पता लिखना है और ये आपको भेज देना है चमोली जनपद के जो है शिक्षा विभाग के नाम पर।
कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी चमोली। दोस्तों ये सभी जनपदों के लिए निकलते रहेगा, अब कल तक दोस्तों सभी जनपदों का निकल ही जाना है। ये आयु सीमा की गणना दोस्तों 1 जुलाई 2023 से लेकर ये शुरू होगी, 21 से लेकर 42 साल तक सभी अभ्यर्थियों के लिए 4200 ग्रेड पे की जॉब है। और देखिए दोस्तों BTC भी है, जिसे मतलब कि जिसे उत्तराखंड राज्य में DRC BTC नाम से जाना जाता है। DRC DLED समकक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा शास्त्र में DRC DLED 4 वर्षीय। तो सभी दोस्तों देखिए इसमें 21 से लेकर 42 साल तक है, तो इसमें सभी अभ्यर्थी जो हैं आवेदन कर सकते हैं जो DLED वाले हैं। BLED वालों को बाहर कर दिया है, बाकी BLED वाले भी इसमें जो है वो भी आवेदन कर सकते हैं। अभी दोस्तों मैं BLED भी देख रहा था यहाँ पर। तो ये दोस्तों भर्ती निकलनी जो है शुरू हो गई है, मैं तुरंत दोस्तों शेयर कर दूंगा इसे। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी, 446 दोस्तों पद है चमोली के लिए, दोस्तों भर्ती निकल गई है सभी जनपदों के लिए। दोस्तों ये योग्यता तो सेम रहेगी, बाकी पदों का विवरण अलग अलग जनपदों के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर ये भर्ती निकलेगी। और कहीं दोस्तों जैसे कम पद होंगे, कहीं दोस्तों जैसे छोटा जनपद है तो वहाँ कम पद होंगे, बड़ा जनपद है तो ज़्यादा पद होंगे। कहीं दोस्तों 700 भी पद हो सकते हैं, 400-500, कहीं 200-300 भी, 150-200 भी, क्योंकि ये जनपदों के आधार पर, प्राथमिक विद्यालयों के आधार पर दोस्तों ये होगा। तो भर्ती दोस्तों निकल गई है, सब विज्ञापन दोस्तों मैं शेयर करते रहूँगा टेलीग्राम चैनल पर, सीकर स्टडी पॉइंट करके आपको सर्च कर लेना है, तो सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में, तो ये इनके लिए ही है, DLED वालों के लिए। तो ये थी आज की जानकारी, जो भी आसपास के आपके होंगे तो उनका आपको जरूर से आप बता सकते हैं। तो इसमें बताया गया कि आवेदन किस तरह से करना है, यहाँ पर देख लीजिए ये कि किस तरह से फॉर्म भरना करके इसमें बताया गया। हालांकि मैं दोस्तों फिर वीडियो बनाऊंगा इस पर कि किस तरह से डाक द्वारा आपको भेजना है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। और देखिए 5 जुलाई दोस्तों लास्ट डेट इसके लिए रखी गई है, 5। हालांकि दोस्तों डेट इसमें बढ़ भी जाती है, लेकिन आपको जो है टाइम पर भर लेना है। तो ये थी आज की जानकारी, 5 जुलाई तक है, तो ये चमोली जनपद के लिए 5 जुलाई तक है। बाकी और जनपदों के लिए जो भी निकलेगी, कहीं 5 जुलाई हो सकता है, कहीं ज़्यादा भी हो सकता है, डेट भी बढ़ सकती है, लेकिन आपको 5 जुलाई से पहले ये कर लेना है जिसको नौकरी चाहिए। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।